जालौर के चितलवाणा के जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है हिमागुड़ा का, वहाँ पर जो दो मशीनें दी गई है जो जांच के तौर पर काफ़ी इम्पोर्टेंट है, उसके जरिए यहाँ के जो ग्रामीण इलाके के जो लोग हैं उनको खून की जांच या अन्य जांच के लिए दूर दराज इलाकों से शहर नहीं जाना पड़ेगा और यहीं जो ग्रामीण इलाके के सरकारी हॉस्पिटल है यहीं सुविधा मिल पाएगी। ये दो मशीनें हैं CRP और CBC, इन मशीनों को कहते हैं और इन्हीं मशीनों के जरिए खून की जाँच और अन्य जाँचें होती है। यहाँ डॉक्टर साहब मौजूद हैं जो यहाँ पर कार्यरत हैं, हम उनसे भी जानेंगे। सर, ये दो मशीनों के क्या नाम है और इन मशीनों का क्या उपयोग होता है और इससे ग्रामीण इलाकों के लोगों को कितना फ़ायदा होगा? हेलो, ये मशीन CBC मशीन है। CBC मशीन रक्त से संबंधित सभी बीमारी, जैसे रक्त की कमी होना, इसके या फिर कोई ब्लड इन्फेक्शन है, ब्लड इन्फेक्शन में जैसे कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, वायरल इन्फेक्शन है, या फिर कोई डेंगू वगैरह है, या फिर मौसमी बीमारियाँ हैं, उससे संबंधित सारी जो डायग्नोसिस हो जाती है वो CBC मशीन से होती है। और ये CBC मशीन में प्लेटलेट का भी होता है, जो प्लेटलेट कम होने पर वायरल और बैक्टीरियल में अपने डिफरेंस कर पाते हैं कि भाई हाँ ये वायरल बीमारियां हैं। इसे ये पहले जहाँ से 700 होती, 700 से यहाँ होती नहीं थी, तो यहाँ से गांव के जो गरीब लोग हैं या फिर दूर दराज से जो 700 जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और मोस्टली जैसे कि 70% बीमारियाँ पर CBC मशीन से डायग्नोस हो पाता है, तो वो यहाँ अपनी यहीं अवेलेबल हो जाएगी। इसके अलावा CRP मशीन है, तो CRP मशीन ब्लड में जो इन्फेक्शन है, जैसे कि मॉडरेट इन्फेक्शन है, ये भी माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर है, उससे पता चल जाता है कि इस पेशेंट को बाहर से दिखने पर तो नॉर्मली दिखता है, लेकिन कई बार अंदर से ज़्यादा बीमार हो जाता है, तो उसे CRP से पता चल जाता है कितना सीरियस है और कितना नॉन सीरियस है। अगर ज़्यादा सीरियस है तो अपन हॉस्पिटलाइज की जरूरत, जैसे कि 50 से ऊपर CRP आने पर अपन को ये ऐसे हॉस्पिटलाइज करने की जरूरत पड़ जाती है। तो ये जो दोनों मशीनें हैं वो दोनों जांच के तौर पर सरकारी हॉस्पिटल में यहाँ पर सौगात दी गई है राज्य मंत्री की ओर से, और काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है कि इन मशीनों के जरिए जो ग्रामीण इलाके के लोग हैं वो इस हॉस्पिटल में ही इन मशीनों की जो सुविधाएं हैं वो मिल पाएगी, ताकि वो जांच के लिए उनको भटकना नहीं पड़े, और उसके साथ ही ग्रामीण इलाके से दूर दराज होकर शहर में आना पड़ता है, निजी अस्पताल या सरकारी अस्पताल में आना पड़ रहा है, वो नहीं आना पड़ेगा, और यहीं जो ग्रामीण इलाके के सरकारी अस्पताल हैं उन पर ही अब लोगों को ये सुविधा मिल पाएगी। लूणाराम, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, जालौर।